आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकसभा राज्यसभा व वित्त मंत्रालय से आरटीआई में प्राप्त जानकारी से खुलासा किया कि 2178 पूर्व सांसदों की सालाना पेंशन पर 70.50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पेंशनर पूर्व सांसदों की संख्या में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूर्व सांसदों की पेंशन बांटने वाला केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग दोनों सदनों के पेंशनर पूर्व सांसदों की कुल संख्या 2178 बता रहा है, तो लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय ये कुल संख्या 4796 बता रहे हैं। सवाल है कि ये 2618 फर्जी पूर्व सांसद कौन हैं? कपूर ने आरोप लगाया कि लोकसभा व राज्यसभा के पेंशनर पूर्व सांसदों की संख्या में भारी अंतर व इनके नामों पेंशन के ब्यूरो को सार्वजनिक ना करना किसी बड़े फर्जीवाड़े का सूचक है, इसकी जांच होनी चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने कहा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के 88% सांसद करोड़पति व 43% सांसद दागी हैं। इनके औसतन संपत्ति 20.93 करोड़ रुपए है, जबकि देश में भीषण आर्थिक मंदी, भीषण बेरोजगारी है, किसान मजदूर व नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, सार्वजनिक उद्योग बेचे जा रहे हैं, देश के निर्माण में अपना सारा जीवन खपा देने वाले मजदूर किसानों की कोई सामाजिक सुरक्षा व पेंशन नहीं है। ऐसे में पूर्व सांसदों की ये पेंशन तत्काल खत्म होनी चाहिए। आरटीआई लगाई थी लोकसभा सचिवालय में और राज्यसभा सचिवालय में, जो भूतपूर्व जो सांसद है उनको रिटायरमेंट होने के बाद कितनी पेंशन मिलती है, इसमें जो है बड़ा ही चौंकाने वाला जो है सूचना मिली है हमारे को। एक बहुत बड़े घोटाले का, फर्जीवाड़े का जो है खुलासा हुआ इससे। इसमें क्या है कि जो लोकसभा सचिवालय है उन्होंने तो हमारे को ये बताया कि 3849 पूर्व सांसद हैं जिनको पेंशन दी जा रही है, और राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि 847 पूर्व सांसद हैं जिनको पेंशन दी जा रही है, यानी कि 4796 पूर्व सांसद हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। जबकि जो पेंशन देने वाला विभाग है, केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उन्होंने बताया हमारे को कि लोकसभा के सिर्फ 1470 पूर्व सांसदों को पेंशन दी जा रही है और राज्यसभा के सिर्फ 708 सांसदों को, यानी कि कुल 2178 पूर्व सांसदों को पेंशन दी जा रही है। तो सवाल है कि ये जो 2618 का जो डिफरेंस है, ये 2618 जो है, ये कौन ऐसे फर्जी सांसद हैं जो लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की जो सूची में है, भूतपूर्व पेंशनों की सूची में चढ़े हुए हैं। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गाँव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।